आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गतिकी चल रहा है, जिसके अंदर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको अपने क्या कहते हैं, टक्कर सिद्धांत या संगठित सिद्धांत भी कहते हैं, कोलिजन प्रिंसिपल भी कहते हैं, कोलिजन थ्योरी भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो हमें ये बताता है कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ जाता है। तो उसी को बताने के लिए क्या दिया गया था, ये सिद्धांत दिया गया था। यह सिद्धांत 1916 के अंदर दो वैज्ञानिक थे, एक तो मैक्स ट्राउट्स था और दूसरा कौन था आपका, विलियम लेविस। इन दोनों ने क्या दिया था, ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, देखिए जबकि यह ये क्लियर है, टक्कर सिद्धांत ये वर्ड से ही हमें क्या है, क्लियर है कि अभिकारक जो है वो उत्पाद बनाने के लिए आपस में अवश्य टकराने चाहिए, क्योंकि ये सिद्धांत से स्पष्ट है, इस शब्द से स्पष्ट है कि टक्कर का मतलब यही है कि उत्पाद तभी बनेगा जब अभिकारक के अणु जो है वो आपस में टकराते हैं। ठीक है, तो फिर दूसरा बात जो है एक और इंपॉर्टेंट है कि अभिक्रिया मिश्रण में प्रति आयतन, यानी कि 1 ml, प्रति आयतन का मतलब 1 ml में प्रति सेकंड, 1 सेकंड में, 1 ml में 1 सेकंड में, 1 सेकंड में होने वाली टकरों की संख्या को क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी या संगत आवृत्ति कहते हैं। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। तो अभिक्रिया मिश्रण के प्रति आयतन में, प्रति आयतन का मतलब 1 ml में 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की संख्या को हम क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इन जो ये जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है इसका जो मान होता है वो 10^25 से 10^28 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, कितना होता है, 10^25 से 10^28 होता है। इसका मतलब प्रति सेकंड के अंदर इतनी टक्करें होती है, 10^25 से लेकर 10^28 टक्करें होती है। जब इतनी सारी टक्करें होती है इसका मतलब सभी अभिक्रियाएं क्या होनी चाहिए, हमारी फास्ट होनी चाहिए, तीव्र अभिक्रियाएं होनी चाहिए। सभी अभिक्रिया क्या होनी चाहिए आपकी, सभी अभिक्रिया क्या होनी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। लेकिन हमें पता है कि कुछ अभिक्रियाएं क्या होती है, धीमी गति की होती है, और कुछ अभिक्रियाएं क्या होती है, फास्ट होती है। इसका मतलब जितनी भी टकरें होती है वो सारी की सारी टकरें प्रभावी नहीं होती। तो अतः हम ये कह सकते हैं, नेक्स्ट इसका टॉपिक हो सकता है कि सभी जो टकरें हैं वो क्या है, प्रभावी नहीं होती, प्रभावी नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब जो कुछ ही टक्करें जो होती है वो क्या होती है आपकी, प्रभावी होती है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको इसमें कि ये आपका सभी टक्करें प्रभावी नहीं होती। अतः क्रियाकारक, क्रियाकारक के उत्पाद में बदलने के लिए 2 तरह के बैरियर या अवरोध इस थ्योरी के द्वारा दिए गए। मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, 1960 के अंदर मैक्स ट्राउट्स और मैक्स लेविस ने इसने दिया था। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि प्रति आयतन में प्रति सेकंड में होने वाली टकरों की संख्या को कोलिजन फ्रिक्वेंसी कहते हैं, जिसका मान 10^25 से 10^28 होता है। इट मीन्स प्रति सेकंड में इतनी टक्करें होती है, इट मीन्स सारी अभिक्रियाएं क्या होती है, तीव्र होनी चाहिए। जबकि हमें पता है कि कुछ अभिक्रियाएं तीव्र होती है और कुछ अभिक्रियाएं क्या होती है, स्लो होती है। अतः जितने भी टक्करें होती है तो सभी टक्करें जो है वो प्रभावी नहीं होती है। तो किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए 2 तरह के अवरोध होते हैं। कितने अवरोध होते हैं इसके अंदर, 2 तरह के अवरोध होते हैं। तो 2 तरह के अवरोध इसके द्वारा दिए गए। पहला जो अवरोध था वो था इसके अंदर ऊर्जा का अवरोध। पहला अवरोध कौन सा है, ऊर्जा अवरोध। कौन सा है, ऊर्जा अवरोध। ऊर्जा अवरोध किसको कहते हैं, यानी कि जो अभिकारक है वो उत्पाद में बदलने के लिए उनके पास न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, दैली ऊर्जा कहते हैं। जैसे 12th class को पास करने के लिए हमें न्यूनतम 33 marks चाहिए, अतः वैसे ही अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए न्यूनतम ऊर्जा चाहिए, और उस न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहते हैं, दहली ऊर्जा कहते हैं। यदि किसी अभिकारक के पास वो दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा है तो उसके बंध जो है, रासायनिक बंध टूट जाएंगे और वो किस में बदल जाएगा, उत्पाद के अंदर बदल जाएगा। तो ऊर्जा अवरोध में हम ये कह सकते हैं कि अभिकारकों के पास न्यूनतम ऊर्जा,
न्यूनतम ऊर्जा, जिसको आप क्या कहते हो दहली ऊर्जा, जिसको आप क्या कहते हो दहली ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, न्यूनतम ऊर्जा, जिसे हम दहली ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, होनी चाहिए, ताकि ताकि अभिकारकों के बंध टूटकर उत्पाद बन सके, उत्पाद बन सके, ठीक है। ये हम दहली ऊर्जा हम क्या कर चुके हैं, मैं फिर भी आपको दोबारा से बता देता हूँ दहली ऊर्जा क्या होती है। अगर हम इसके अंदर निकालें कि एक ग्राफ खींचे ऊर्जा और अभिक्रिया का वेग के बीच में, अभिक्रिया वेग के बीच में, तो इस तरह का मान लेते हैं कोई ग्राफ आता है, तो यहाँ पे क्या है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को मैं आर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है प्रोडक्ट या क्या है आपका उत्पाद है, और ये जो आपका ये जो ऊर्जा होती है यानी कि क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने के लिए इतनी ऊर्जा होनी आवश्यक है, तो इस ऊर्जा को आप क्या कहते हो दहली ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं दहली ऊर्जा। तो दहली ऊर्जा है क्या, न्यूनतम ऊर्जा जो क्रियाकारकों को उत्पाद में बदल देती है, उसको आप क्या कहते हो दहली ऊर्जा कहते हैं। अब हर क्रियाकारक के पास क्या होते हैं कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, तो इस ऊर्जा को क्या कहते हैं हम औसत गतिज ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं औसत गतिज ऊर्जा कहते हैं, औसत गतिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्रियाकारक के पास इतनी ऊर्जा है, ये जो आपकी इतनी ऊर्जा है, तो अब इसको क्या है क्या वो उत्पाद में बदलेगा, नहीं बदल पाएगा, क्योंकि उत्पाद में बदलने के लिए कितनी चाहिए इतनी ऊर्जा इसको चाहिए, तो इसको अधिक्य ऊर्जा, न्यूनतम अधिक्य ऊर्जा, इतनी और ऊर्जा उसको चाहिएगी, इस जितनी अगर इसके पास इतनी और ऊर्जा मिल जाए तो वो क्या होगा इस संक्रमण अवस्था को पार करके किसमें बदल जाएगा उत्पाद में बदल जाएगा। तो इस ऊर्जा को हमने क्या कहते हैं सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो सक्रियण ऊर्जा क्या है न्यूनतम अधिक्य ऊर्जा है, ये ध्यान रखना है। दहली ऊर्जा क्या है न्यूनतम ऊर्जा है, न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदल देती है, और सक्रियण ऊर्जा क्या है न्यूनतम अधिक्य ऊर्जा है, न्यूनतम अधिक्य ऊर्जा जो क्रियाकारकों को या अभिकारकों को उत्पाद में बदल देती है। तो पहला अवरोध हो गया हमारा कौन सा ऊर्जा अवरोध हो गया, ऊर्जा अवरोध के अनुसार क्या होता है जो क्रिया करने वाले हैं उनके पास न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए, अर्थात दहली ऊर्जा उसके पास होनी चाहिए। दूसरा जो है आपका इसके अंदर जो अवरोध था वो है आपका अभिविन्यास अवरोध। तो दूसरा अवरोध कौन सा है अभिविन्यास, अभिविन्यास, अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास का मतलब है कि जो क्रियाकारक है, क्योंकि बहुत सारी टकरें होती है, सारी टकरें जो होती है वो प्रभावी नहीं होती, कुछ टकरें ही क्या होती है प्रभावी होती है, जो टकरें प्रभावी होगी उसी से हमेशा क्या बनेगा उत्पाद का निर्माण होगा। तो जो क्रियाकारक है वो एक निश्चित दिशा में टकराने चाहिए, जब वो एक निश्चित अभिविन्यास से एक निश्चित दिशा से टकराते हैं तो किसका निर्माण होता है उत्पाद का निर्माण होता है। तो अभिविन्यास अवरोध का मतलब यही है कि अभिकारक जो है अभिकारक अभिकारक एक निश्चित अभिविन्यास अभिविन्यास में आपस में टकराने चाहिए, अभिविन्यास से आपस में टकराने पर उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद का निर्माण होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। अगर वो एक निश्चित अभिविन्यास में टकराएंगे तभी उत्पाद बनेगा, अगर वो एक निश्चित अभिविन्यास में नहीं टकराएंगे तो कोई भी उत्पाद का निर्माण नहीं होता। मैं एक सिंपल सा उदाहरण ले रहा हूँ जिसके अंदर आपका टू जो आपका NO2 है वो बना के क्या बना रहा है, मान लेते हैं ये क्या बना रहा है N2O4 बना रहा है। इसमें हम ले सकते हैं जैसे ये आप मैंने क्या ले लिया नाइट्रोजन ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया दो ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, ये दूसरा मैंने यहाँ पे क्या लिया नाइट्रोजन लिया और ये एक ऑक्सीजन ले लिया और ये दो ऑक्सीजन,
ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में क्या है, इनका अभिविन्यास, एक निश्चित दिशा के अंदर ये टकरा रहे हैं, एक निश्चित अभिविन्यास में टकरा रहे हैं, तो किसका निर्माण हो जाएगा, आपका उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। एन एन ये आपका ओ और ओ, ये आपका क्या हो जाएगा, ओ और ओ, तो क्या बनेगा, इसके अंदर उत्पाद बनता है, इसमें क्या होगा आपका, उत्पाद बनता है, तो इसमें उत्पाद बन जाएगा क्योंकि ये एक निश्चित अभिविन्यास में टकरा रहे हैं। अगर हम इसको देखें कि इसका जो अभिविन्यास है वो सही नहीं है, अगर वो सही अभिविन्यास में नहीं टकरा रहे, अगर वो सही अभिविन्यास में नहीं टकराते तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। जैसे दोबारा से हम देखते हैं, इसके अंदर ये ऑक्सीजन और ये आपका NO2 हो गया, प्लस ये मान लेते हैं इसके अंदर ये हमारा एक नाइट्रोजन है और इसके पास क्या है, ये एक ऑक्सीजन है और एक ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका, अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, एक सही अभिविन्यास नहीं है, अतः कोई उत्पाद का निर्माण नहीं होगा, तो इसमें कोई उत्पाद उत्पाद नहीं बनता। अतः टक्कर सिद्धांत के अनुसार जो अभिक्रिया का वेग जो होता है वो दो कारकों पर निर्भर करता है, वो कौन कौन से कारक है, एक तो प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या, प्रति सेकंड के अंदर कितनी टक्करें हो रही है, दूसरा हो गया इसके अंदर प्रभावी टक्करों की संख्या, कि उसके अंदर प्रभावी टक्करें कितनी है, प्रभावी टक्करें किस पर निर्भर करेगी, दो अवरोधों पर निर्भर करेगी, एक तो आपका ऊर्जा अवरोध हो गया, ऊर्जा अवरोध में क्या है, उसके पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए जिसको हम दैहिक ऊर्जा कहते हैं, और दूसरा हो गया इसके अंदर अभिविन्यास अवरोध, यानी कि जो भी रिएक्शन कर रहे हैं वो एक निश्चित विन्यास में टकराने चाहिए। अतः टक्कर सिद्धांत के अनुसार जो अभिक्रिया का वेग जो है वो दो कारकों पर निर्भर करता है, तो अभिक्रिया का वेग किस कारकों पर निर्भर करता है, दो कारकों पर निर्भर करता है। तो इसलिए बता दिए दो कारक कौन कौन से हैं, पहले तो ये हो गया प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या, प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या जिसको अपने क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी या सघट आवर्ती कहते हैं, और जिस इसको हम जेड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो वन मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी या सघट आवर्ती क्या होती है, प्रति आयतन में प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की कुल संख्या, और दूसरा क्या हो गया इसके अंदर प्रभावी टक्करों का अंश। तो अभिक्रिया का वेग इन दो कारकों पर निर्भर करता है, और इसका जो मान है वो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट था उसने अपना दिया था, क्लार्क एंड मैक्सवेल इन्होंने दिया था, और इन्होंने क्या बताया था, ये इसके बराबर होता है, e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये इसके बराबर होता है। अतः अभिक्रिया का वेग हमारा क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग इज इक्वल टू जेड इंटू ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। तो ये किसके अनुसार है, आपका टक्कर सिद्धांत के अनुसार जो अभिक्रिया का वेग इसके ऊपर निर्भर करता है, जेड इंटू ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। यहाँ पे ए क्या है, सक्रियण ऊर्जा है, क्या है इसके अंदर सक्रियण, ए क्या है यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा है, ठीक है, टी ताप है, आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट है, जेड क्या है इसके अंदर प्रति सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या या कोलिजन फ्रीक्वेंसी या सघट आवृत्ति जिसको हम कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, टक्कर सिद्धांत के बारे में। अब देखिए इसके अंदर कमियां क्या आती है, इस सिद्धांत की कमियां, दो तीन कमियां हैं, कमियां। तो पहले ये ध्यान रखना है, यह सिद्धांत जो सिंपल बाई मोलिकुलर रिएक्शन है, सिंपल द्विव आणविक अभिक्रियाओं के लिए सही है, ये चीज ध्यान रखना है, यह सिद्धांत सिंपल बाई मोलिकुलर यानी कि द्विव आणविक अभिक्रियाओं के लिए सिंपल बाई मोलिकुलर रिएक्शन या अभिक्रिया के लिए सही है। कि जैसे मान लिया इसके अंदर H2 प्लस Cl2 विल चेंज इनटू 2HCl, हाइड्रोजन और आपका क्लोरीन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, 2HCl का निर्माण कर रहे हैं, इसका हम क्या देखते हैं, प्रायोगिक मान देखते हैं, और एक कौन सा, इस समीकरण के द्वारा मान देखा जाता है। तो इसका प्रायोगिक मान और सिद्धांतिक मान, सिद्धांतिक किससे, जो सिद्धांत से हमारा आया हुआ है, प्रायोगिक और सिद्धांतिक मान जो होते हैं वो दोनों क्या आते हैं, समान आते हैं। तो इसका इस अभिक्रिया के लिए प्रायोगिक जो प्रयोग करके देखते हैं, प्रायोगिक एवं सिद्धांतिक
सैद्धांतिक मान जो है वो क्या आता है, समान आता है। क्या आता है इसके अंदर, समान आता है। लेकिन अगर अभिकारक कॉम्प्लेक्स टाइप्स के हैं, कुछ किस तरह के हैं, संकुल प्रवृत्ति के हैं, जैसे जैसे ये दिया R3N टर्शियरी अमीन और ये किसने अभिक्रिया कर ली Rx के साथ, तो क्या बन जाएगा इसके अंदर R4NX। ये प्लस और माइनस इन अभिक्रियाओं के लिए जो प्रायोगिक मान है, इन अभिक्रियाओं किसके लिए, कौन सी अभिक्रियाएं हैं हमारी, संकुल अभिक्रियाएं हैं। कौन सी अभिक्रिया है, संकुल अभिक्रिया के लिए, ये आपने ध्यान में रखना है, संकुल अभिक्रिया के लिए इसका जो प्रायोगिक मान है वो हमेशा सैद्धांतिक मान से कम आता है। ठीक है, ये जो प्रायोगिक मान है वो क्या आएगा, हमेशा कम होगा, किससे, सैद्धांतिक, जो इसके द्वारा हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, इसका प्रायोगिक मान कम होता है, किससे, सैद्धांतिक मान से। प्रायोगिक मान हमेशा क्या होगा, कम होगा सैद्धांतिक मान से। तो अब इसको दूर करने के लिए, ठीक है, इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया गया था, इसमें जो है एक कारक को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, एक कारक को जोड़ा गया जिसको स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसको दूर करने के लिए इसमें एक कारक जिसको स्टेरिक फैक्टर, ठीक है, यानी जिसको आप क्या कहते हो, स्टेरिक का मतलब हो गया त्रिविम बाधा कारक एक इसके अंदर जोड़ा गया, जिसको हम क्या करते हैं, पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया, पी के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया और एक नया रेट दिया गया। ठीक है, उसी को मॉडिफाई कर लिया और इन्होंने एक नया रेट दिया, अभिक्रिया वेग इजिकल टू पी जेड ई की पावर माइनस ए अपॉन RT। तो ये इसका क्या किया गया था, मॉडिफिकेशन किया गया, इसको मतलब सही किया गया, और पी जो है वो हमेशा वन होगा, किसके लिए, जो साधारण अभिक्रिया है, साधारण अभिक्रिया सिंपल रिएक्शन के लिए इसका जो मान होता है वो क्या होगा, 1 के बराबर होगा। जैसे H2 एंड Cl2 P का मान 1 रखा तो वही आ जाएगा पुराने वाला, और जो P जो होता है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, क्या होगा, एक से कम होगा, किसके लिए, संकुल अभिक्रियाएं। अगर वो अभिक्रियाएं क्या है, संकुल अभिक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है, तो उसके लिए इसका मान क्या होगा, हमेशा कम होगा, तो अभिक्रिया का वेग भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा किसके बारे में, टक्कर सिद्धांत के बारे में। तो बड़ा सा मैं दोबारा से बता देता हूं, ये सिद्धांत के अनुसार जो है अभिकारक आपस में अवश्य टकराने चाहिए। ठीक है, प्रति सेकंड में 1 ml में होने वाले टक्करों की संख्या को हम क्या कहते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मान कितना होगा, 10^25 से 10^28 होता है। अतः सारी अभिक्रियाएं क्या होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए, लेकिन हमको पता है कि कुछ अभिक्रियाएं फास्ट होती है, कुछ अभिक्रियाएं क्या होती है, स्लो अभिक्रियाएं होगी। इसका मतलब जितने भी टक्करें हैं वो प्रभावी नहीं होती, कुछ टक्करें होती है जो क्या होती है, प्रभावी होती है। तो इसके अनुसार 2 तरह के अवरोध होते हैं, एक तो कौन सा हो गया, एनर्जी बैरियर या ऊर्जा अवरोध, और दूसरा कौन सा हो गया, अभिविन्यास अवरोध हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये आपका इसमें जो नियम दिया गया था। ठीक है, और इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है आर्हेनियस इक्वेशन। कौन सा है, इसके अंदर आर्हेनियस समीकरण है। आर्हेनियस समीकरण, ठीक है, आर्हेनियस ने क्या दिया था, इसके अंदर एक अपना रिलेशन दिया था किसके बीच में, के इजिकल टू ए की पावर माइनस ए अपॉन RT। तो इसने क्या दिया था, एक अपना संबंध दिया था किसके बीच में, अभिक्रिया के ताप, किसके बीच में, इसने एक संबंध दिया किसके बीच में, अभिक्रिया ताप एवं वेग नियतांक के बीच में, वेग नियतांक के बीच में इसने संबंध दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आर्हेनियस समीकरण क्या थी, इसने आर्हेनियस ने क्या दिया था, अभिक्रिया ताप और वेग नियतांक के बीच में एक क्या दिया था, इसके अंदर संबंध दिया था, जो क्या होता है, k = ae^-ea/RT होता है। और यहाँ पे ए क्या है, आर्हेनियस
आरहेनियस, इसको गुणांक भी बोलते हैं, इसको कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, आवर्ती गुणांक भी बोलते हैं, आवर्ती गुणांक, ठीक है, दो तीन नाम है इसके अंदर, आरहेनियस गुणांक भी बोलते हैं और आवर्ती गुणांक भी बोलते हैं। है क्या इसके अंदर प्रति सेकंड, ये है क्या आपका वही, बिल्कुल प्रति एमएल या प्रति आयतन, प्रति आयतन में प्रति सेकंड, प्रति सेकंड होने वाली टक्करों की संख्या, होने वाली टक्करों की संख्या को आप क्या कहते हो, आरहेनियस गुणांक कहते हैं, आवर्ती गुणांक भी इसको कहते हैं। ये जेड के जैसा ही है, जैसे जेड होता है उसके अंदर टक्कर सिद्धांत में, वैसे ही आपका ए जो है वो दोनों एक बराबर होते हैं। तो के इजिकल टू ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ए आपका हो गया, यहाँ पे ई ए क्या है, ये सक्रियण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी है, आर क्या है आपका गैस नियतांक है, टी क्या है ताप है, और के क्या है आपका वेग नियतांक है। अब देखिए इसके अंदर हम इसका लोग लेने पर, तो लोग ले लीजिए एलएन के इजिकल टू क्या होगा, एलएन ए, अगर इसका लोग लेते हैं तो कुछ नहीं होता, ये जो आपकी चीज है ये यहाँ पर आ जाती है, तो क्या बन जाएगा, ई ए अपॉन आर टी बन जाएगा, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी का अगर हम लोग लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, सिर्फ यही चीज यहाँ पर आ जाती है। अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि एलएन पे है, जबकि हमारी जो सारी कैलकुलेशन होती है वो क्या होती है, लोग बेस से 10 पर होती है, तो इसको लोग बेस 10 में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे किससे, 2.303 से, तो गुणा कर दीजिए 2.303 और ये क्या बन गया, लोग बेस 10 के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, 2.303 लोग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी आ गया, ठीक है। अब क्या करो, पूरी समीकरण को 2.303 से भाग देने पर, तो पूरी समीकरण को हम क्या करेंगे, 2.303 से भाग दे देंगे, तो इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा, इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 2.303 मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा, लोग बेस 10 के बचा, क्योंकि हमने इसको भाग दिया, या मैं लिख देता हूँ, लिए 2.303 लोग बेस 10 के अपॉन 2.303 इक्वल टू 2.303 अपॉन 2.303 और लोग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर एंड एन टी, ये कट गया आपका, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, हमारी इक्वेशन आ गई ये, लोग बेस 10 के इज इक्वल टू लोग बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ये आपकी समीकरण है। अब देखिए इसके अंदर हम इसमें ग्राफ खींचेंगे कि आपका ग्राफ कैसा आता है, ठीक है। तो अब इसका हम ग्राफ खींचते हैं, ये किस टाइप की समीकरण है, देखिए इसके अंदर ये कैसे समीकरण है, इसको हम क्या मान लें, y इजिकल टू, ये आपका क्या माने, क्योंकि कांस्टेंट होता है कोलिजन, जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 की पावर 25 से 28 होगी किसी भी अभिक्रिया के लिए, जो इसका मान जो निश्चित होता है, माइनस क्या हो जाएगा, एम एक्स हो जाएगा। तो अगर हम ग्राफ खींचते हैं बेटे, किस किस के बीच में, इसके बीच में वाई यहाँ पर क्या है, लोग बेस 10, ये लीजिए लोग बेस 10 के, और एक्स क्या है, 1/t, क्या है आपका, 1/t है। अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ये, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ढाल कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि सी है, सी इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ मान होगा, तो ये यहाँ से 100 से शुरू ना होकर थोड़ा सा नीचे से शुरू होगा और नेगेटिव ढाल के साथ हमारा जो है वो ग्राफ आएगा। अब इसका ढाल देख लीजिए, ढाल क्या होगा, जो x के साथ जो होता है वो ढाल के बराबर होता है, तो x के साथ क्या था हमारा, ये था, क्या था, ई ए अपॉन 2.303 आर था, तो ढाल क्या हो गया, माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर, ये हमारा क्या हो गया, ढाल हो गया। और इसको इंटरसेप्ट या अंतःखंड क्या होगा, इसका अंतःखंड वो क्या है हमारा, लोग बेस 10
ए के बराबर होता है। तो ये तो हो गया हमारे किसके बारे में, आर्हेनियस समीकरण के बारे में। अगर आप दो अलग अलग ताप देते हैं, क्योंकि इस पे जो है जनरली न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें दो अलग अलग ताप दिए हो, और उसके आधार पर क्या करते हैं हम आर्हेनियस इक्वेशन को ज्ञात करते हैं। देखिए इसके अंदर दो अलग अलग ताप पर इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे और ये फाइनल फार्मूला हमारा क्या होगा। मान लेते हैं T1 ताप के ऊपर इसका जो वेग नियतांक है वो क्या है, K1 है, और T2 ताप पर इसका वेग नियतांक क्या है, K2 है। तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, ये समीकरण निकाल लीजिए, लॉग बेस 10 K1 इजिकल टू, क्योंकि अभिक्रिया के लिए इसका तो मान समान रहेगा, लॉग बेस 10 A का A रहेगा, माइनस एक्टिवेशन एनर्जी भी सेम रहेगी 2.303, आर भी सेम रहेगा, और T1, और इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 K2 इजिकल टू लॉग बेस 10 A माइनस ए अपॉन 2.303 आर T2 हो गया। मान लेते हैं ये आपके समीकरण नंबर एक है और ये समीकरण नंबर दो है, तो क्या करें, समीकरण दो को भाग दे दीजिए, किसके द्वारा, समीकरण एक के द्वारा आप इसको क्या करेंगे, हम भाग दे देते हैं। तो देखिए हमारी समीकरण क्या बनेगी, तो समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी लॉग बेस 10 K2 अपॉन लॉग बेस 10 भाग नहीं देना, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है घटाने पर, ठीक है, तो सेकंड माइनस वन करना है, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा लॉग बेस 10 K2 माइनस लॉग बेस 10 K1 इजिकल टू लॉग बेस 10 A, पहले हम इसका मान रख रहे हैं K2 वाला, ये वाला रख रहे हैं, ये वाला मान रख रहे हैं, माइनस हमारे पास क्या है, ए अपॉन 2.303 RT2, फिर आपका माइनस, ठीक है, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये माइनस का माइनस रखा, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, ये है लॉग बेस 10 A, फिर उसके बाद क्या है, माइनस ea अपॉन माइनस ea अपॉन माइनस ea अपॉन 2.303 RT1, ठीक है, तो अब इसको ये लॉग में है तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, हम इसको लिख सकते हैं लॉग बेस 10 K2 अपॉन K1, ठीक है, लॉग बेस 10 K2 अपॉन K1 इजिकल टू, देखिए इसको खोलिए, ये आपका प्लस का और ये माइनस का, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब बचा क्या हमारे पास, ये बचा माइनस ए अपॉन 2.303 RT2, फिर ये माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया आपका, प्लस का हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, ए अपॉन 2.303 RT1 बच जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या देखना है, इसका कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, लॉग बेस 10 K2 अपॉन K1 इजिकल टू, ये पहले लिख ले क्योंकि ये प्लस का है, ए अपॉन 2.303 RT1 माइनस ए अपॉन 2.303 RT2 हो गया, ठीक है। अब जो कॉमन है, कॉमन क्या है, इसके अंदर ए कॉमन है, इसमें भी ए है, 2.303 R कॉमन है, 2.303 R कॉमन है, तो हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमने कॉमन ले लिया, ए अपॉन 2.303 R हमने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन T1, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन T2, तो ये तो हमारी होगी समीकरण, या इसको आप कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं इसको, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें, तो हमारा ये हो जाएगा लॉग बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ए अपॉन 2.303 आर, मैं कॉमन ले लूँ, कॉमन क्या आएगा इसमें हमारा T1 T2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ T1 का भाग दिया तो यहाँ क्या बचेगा T2 माइनस यहाँ क्या बचेगा T1, तो ये हमारी समीकरण होगी। और जनरली इसके ऊपर क्या आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, जनरली क्या आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो एक सिंपल सा मैं न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं हम, और उसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट जो भी होगा उसमें। एक क्वेश्चन है बिल्कुल आसान सा, क्या एक्टिवेशन एनर्जी सक्रियण ऊर्जा जीरो हो सकती है, क्या सक्रियण
ऊर्जा शून्य हो सकती है, शून्य हो सकती है। देखिए हो सकती है नहीं हो सकती है? देखते हैं, के इक्वल टू ए की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ये क्या हो गया आपका जीरो के बराबर हो गया। तो देखिए के इक्वल टू ए की पावर आपका जीरो अपॉन आर टी, किसी की पावर जीरो है वो किसके बराबर हो गया, वन के बराबर। इसका मतलब के बराबर क्या हुआ, ए के बराबर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी टक्करें हो रही है वो सारी की सारी किसमें बदल रही है, उत्पाद में बदल रहा है, जो कि संभव नहीं है कि जितनी भी टक्करें हों और वो उत्पाद में बदल जाएं। अगर सारी टक्करें उत्पाद में बदल गई तो सभी अभिक्रियाएं क्या होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, स्लो रिएक्शन नहीं होगी। जबकि हमको पता है कि कुछ अभिक्रियाएं फास्ट होती है और कुछ अभिक्रियाएं क्या होती है, स्लो होती है। तो अतः सक्रियण ऊर्जा जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है? यह आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या सक्रियण ऊर्जा धनात्मक हो सकती है।